subscribe to my channel and press the bell icon to get the latest notification. हेलो फ्रेंड्स, फूडी मूडी विद अक्षता में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है इंस्टेंट कॉर्न डोसा। बारिश का मौसम है, मार्केट में स्वीट कॉर्न्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो क्यों ना आज कुछ नया ट्राई किया जाए। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट कॉर्न डोसा। इंस्टेंट कॉर्न डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप कॉर्न, मैंने इसे बॉइल कर लिया है, 3 टेबलस्पून सूजी रवा, 1 कप मूंग दाल, मैंने इसे 4 घंटे के लिए भिगोकर रखा, यह अच्छे से फूल गया है, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 छोटा प्याज, आधा इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, धनिया पत्ती, तेल, 1 टीस्पून इनो, 1/4 टीस्पून चीनी, चुटकी भर हींग और हमें चाहिए स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए इंस्टेंट कॉर्न डोसा बनाना शुरू करें। एक मिक्सिंग जार लें, इसमें बॉईल किए हुए कॉर्न डालें, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, मूंग दाल, इसे बारीक पीस लें। मैंने बैटर को बारीक पीस लिया है। इसे बारीक पीसने के लिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाला। इसमें 3 टेबलस्पून सूजी डालें, चावल का आटा, नमक, हींग, चीनी, इसे अच्छे से मिला लें। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने दें। 10 मिनट हो गया है, सूजी अच्छी फूल गई है, बैटर पहले से काफी थिक हो गया है। अब हम इसमें इनो मिलाएंगे। इसे मिक्स कर लें। हमारा बैटर डोसा बनाने के लिए रेडी है, तो चलिए डोसा बनाना शुरू करें। मैंने एक नॉनस्टिक पैन को गर्म कर लिया है, इस पे तेल लगाएं। इस पे पानी की कुछ छींटे मारें और एक कपड़े से पोंछ दें, इस तरह से। अब इस पे हम डोसे का बैटर डालेंगे। इस पे तेल लगाएं। डोसा अच्छे से पक गया है, इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लें। देखिए कितना अच्छा डोसा बना है। इसी तरह से बाकी डोसा भी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। पैन में तेल लगाएं, इस पे पानी की कुछ छींटे मारें एक कपड़े से पोंछ लें। इस पे डोसे का बैटर फैलाएं। इसके ऊपर तेल लगाएं। डोसा रेडी है, इसे सर्विंग डिश में निकाल लें।
इसी तरह से हम बाकी डोसा बनाकर भी रेडी कर लेंगे। इंस्टेंट कॉर्न डोसा बन करके रेडी है। इसे रेड हॉट कोकोनट चटनी के साथ सर्व करें। इस चटनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये हेल्थी टेस्टी और यम्मी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।